11 बजे तक यहाँ पे थे। अचानक मुझे मेरी बीवी की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे उसको लेके इमरजेंसी में जाना पड़ा और हम लोग फाइनल स्टेज पर प्रोसिक्यूट जो है उसको अपने आर्गूमेंट दोबारा नहीं कर सकते। हमारी इतला के मुताबिक हमारी बेल जो है सनम की बेल जो है वो ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गई है क्योंकि हम लोग टाइम से इधर नहीं थे। अब हम दोबारा इसी फोरम को दोबारा इस्तेमाल करेंगे बेल के लिए। बाकी लोगों की कुछ लोगों की हो गई है और कुछ की रिजेक्ट हो गई है। अच्छा, जो तैयबा राजा हैं उनकी जमानत, उनकी जमानत मेरी इतलात के मुताबिक खारिज हो गई, उनकी जमानत खारिज हो गई है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप, हाँ, आपने कल या परसों उनकी हाईकोर्ट में अप्लाई, हाईकोर्ट में नहीं, नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से यहाँ पर भी आप फाइल कर सकते हैं या फिर आप हाईकोर्ट जाएंगे? मेरिट के, मेरिट पे खारिज। अच्छा, उनकी मेरिट भी हुई है, सिर्फ सनम की नॉन प्रोसिक्यूशन पे खारिज। अच्छा, आप सनम की वालदा के बता रहे हैं, क्या हुआ, क्या उनकी तबीयत तो बेहतर है? अभी तो मैं उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में छोड़ के आ गया था, उनका ब्लड प्रेशर 70/40 था, काफ़ी सीरियस हालत थी। मैं अपने बेटे को और दो लोगों को वहाँ छोड़ के आया था कि यहाँ का देख लूँ, यहाँ का मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूँ, आप जाके वहाँ पता चलेगा उनकी क्या हालत, काफ़ी सीरियस है, दुआ कीजिएगा आप सारे। मेरा बाइक पकड़ा।